मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद अब प्रशासनिक सर्जरी होने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा के अनुसार काम न कर पाने वाले जिला कलेक्टर्स के तबादले की सूची जल्दी ही जारी हो सकती है। हालांकि प्रशासनिक सर्जरी को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं और आशंकाएं भी हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने मत भी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के बाद प्रशासनिक सर्जरी के आसार, सरकार की मंशा के अनुसार काम न करने वालों पर गिरेगी गाज। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस की जीत वाले जिलों में होगी प्रशासनिक सर्जरी। मिशन 2023 के हिसाब से होगी प्रशासनिक जमाबंद, कलेक्टर कमिश्नर एसपी समेत जिलों के प्रमुख अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बाद मिशन 2023 के हिसाब से प्रशासनिक जमावट होगी। इसमें कलेक्टर कमिश्नर पुलिस अधीक्षक समेत जिलों के प्रमुख अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए तबादला नीति 2022 जारी की जाएगी ताकि विभागीय स्तर पर जो भी परिवर्तन करना है वो हो जाए। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी तैयारी कर चुका है। प्रस्तावित तबादला नीति मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेज दी गई है। तो वही ये भी माना जा रहा है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिन अधिकारियों ने सरकार की मंशा के अनुसार काम नहीं किया उन अधिकारियों पर तबादले की गाज गिर सकती है, जिसे लेकर कांग्रेस का अपना ही तर्क है। अब ये समझ नहीं रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने इनको हटाया है, जगह जगह जो चुनाव हारे हैं इनको लगता है कि उसकी गाज जो गिरनी है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर गिरनी चाहिए। हमने पहले ही कहा था कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये जो जमावट है, ये जो बदलापुर की राजनीति है प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल चुनाव हारने के बाद, ये प्रमाणित करता है इस पूरे के पूरे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का। कड़ी से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जनता देख रही है कि ये किस तरह से दुरुपयोग न होने पर सजा देते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद जो प्रशासनिक सर्जरी होनी है उसे बीजेपी रूटीन प्रक्रिया बता रही है और कांग्रेस के आरोपों को निराधार ठहरा रही है। इसमें राजनीतिक दुर्भावना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए जाने की संभावना है। लगातार कांग्रेस की हार के कारण कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कभी ईवीएम को दोष देना, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, कभी प्रशासकीय अधिकारियों पर दबाव बनाना, कभी अपनी गलती छुपाने के लिए अपने ही नेताओं की नेतृत्व को शिकायत करना। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वो निष्पक्षता के साथ काम करता है, उस पर इस तरह के आक्षेप लगाना संपूर्ण कर्मचारी अधिकारी वर्ग और उनके खिलाफ ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। बहरहाल सूत्रों की माने तो चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 13 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र है और इसलिए शुरुआती दौर में कम ही तबादले होंगे। अगस्त में तबादला नीति जारी कर विभागों को स्थानांतरण के अधिकार दिए जा सकते हैं। ऐसे अधिकारी जिनका प्रदर्शन बार बार समझाइश देने के बाद भी नहीं सुधर रहा उन्हें बदला जा सकता है। कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर विधायक से लेकर बीजेपी पदाधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं और उन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। पनारी टीवी के लिए कैमरा पर्सन इरफान के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।